Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. कानपुर देहात की तहसील भोगनीपुर क्षेत्र यमुना नदी पुल 3 नंबर कोठी क्षतिग्रस्त होने से कोठी के अंदर से निकल रहा है पानी, जिससे एहसास होता है कानपुर देहात यमुना नदी पुराने पुल की समय सीमा समाप्त होने के बावजूद भी पुल के ऊपर से भारी भरकम वाहन निकलने से कभी भी भविष्य में हो सकता है बड़ा हादसा। अब देखने वाली बात यह होगी कि पुल क्षतिग्रस्त होने के बाद भी सरकार इस पुल को लेकर क्या ठोस कदम उठाती है, जिससे भविष्य में बड़े हादसे को रोका जा सके। कौन सी जगह है ये? कानपुर देहात की यमुना पुल है और ये दौलतपुर है क्षेत्र। पूरा मामला क्या है? ये पूरा मामला ये है कि 3 नंबर जो कोठी है उससे पुराना पुल है, काफ़ी पुराना पुल है, उससे पानी निकलता है पाया से, जो कोठी जिसमें धरी है उससे पानी निकलता है और काफ़ी दिन हो गए निकलते निकलते पानी, अभी भी निकल रहा पानी। वाहन चलते हैं, कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है उसमें, कभी भी कोई हादसा हो सकता है। वो साफ करने नहीं, पुल में साफ करते हैं, झाड़ू मान लो सफाई करते हैं, उन्होंने कहा है तो उन्होंने कुछ सुनाई नहीं कभी। अब पुल के अधिकारी हुआ अब उन लोगों से कहा है, अब वो कोई सुनाई नहीं कर रहे। देखो हमारा आता तो हमने आप में आए तो हमने पूछा तो हमने बता दिया, ऐसी ऐसी बात है। और ये यही कालपी और ये कानपुर देहात के दोनों के बीच वाला पुल है यमुना पुल। पूरा मामला क्या है? पूरा मामला है जो पुराना पुल है 50 साल पुराना? तो वो पुराना तो उसमें पानी निकल रहा, पूरा जो पावा है उसके अंदर से निकल रहा है। तो वहाँ से जमुना काफी वहाँ से जमुना 200 मीटर दूर है। इसमें भारी वाहन निकलते हैं, कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, तो यानी हम लोगों ने बता दिया है तो अच्छी बात है। और ये अपना देखा, लोगों ने देखा तो बता दिया है कि पानी निकल रहा है। अब हम लोगों ने कहा गल गई है कोठी, हम लोग नीचे रहते हैं पुल के, वो कोठी गल गई, अंदर से पानी निकल रहा है। अब हम लोग यहीं रहते हैं, रेत में जाते हैं तो देख लिया तो आपको बता दिया। गाड़ी वालों को क्या पता, अब जो अधिकारी लोग हैं ऊपर से आते हैं पुल देख रहे, नीचे नहीं देख रहे क्या है पुल की दशा, नीचे देखने चाहिए।